सो फाइनली दोस्तों गदर 2 का आज है 45वां दिन और भाई साहब आज गदर 2 इतिहास रचने वाली है, नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। आज है संडे का दिन भाई साहब, स्क्रीन्स खत्म कर दिए, शोज खत्म कर दिए, शादी से चल रही है, लेकिन भाई साहब गदर 2 आज रचेगी इतिहास, आज बनाएगी नया रिकॉर्ड पठान के रिकॉर्ड तोड़ के। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, और मैं देख रहा हूं दोस्तों कि कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई लोगों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी आप लोगों को, घंटे का बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों गदर 2 का आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आज मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या साजिशें चल रही है, गदर 2 कितने कलेक्शंस कर चुकी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, कल तक शनिवार था और कल शनिवार का जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आया था वो लगभग दोस्तों 25.630% का है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आज ही संडे, आज मैंने जब बुक माई शो पे देखा ना भाई, तो बुक माई शो पे दिल्ली के अंदर सिर्फ 70 शोज और फास्ट फिलिंग जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए भाई, 20 से भी ज्यादा शोज फास्ट फिलिंग भगवा थे। और उसके बाद बाकी जो ग्रीन में भी शोज थे ना दोस्तों, उसके अंदर को बता दूं कि ऑलमोस्ट 80% की ऑक्यूपेंसी नजर आई मुझे। और आज तो दोस्तों मैंने मॉर्निंग में देखा था ना उठते समय, भाई साहब अभी तो और भी फास्ट फिलिंग बढ़ गया होगा, मतलब एक तरफ जहां पे दिल्ली में 70 शोज है, मुंबई में शोज और कम कर दिए गए हैं, गिर गए हैं शोज, मुंबई में दोस्तों 50 शोज के आसपास चल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शोज की बात करूं पूरे भारत में तो सिर्फ 150 शोज पे चल रही है फिल्म, मतलब दोस्तों गदर 2 के स्क्रीन्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और इसके पीछे आपको पता नहीं किन लोगों का हाथ है। इसके बावजूद भी गदर 2 फिल्म, कल गदर 2 ने 48 से लेकर 50 लाख के आसपास का कलेक्शंस किया था, और आज का कलेक्शंस, जी हां दोस्तों आज का कलेक्शंस भी फिल्म 50 लाख से ऊपर करेगी। और कलेक्शंस कितना हो रहा है, 523.50 करोड़ का कलेक्शंस कर रही है फिल्म में। जी हां, हालांकि पठान के रिकॉर्ड आज तोड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही एक कम एक लिमिटेड संख्या को एस्टिमेट किया है कि ये फिल्म आज 524 करोड़ भी नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों शोज खत्म कर दिए हैं। और कम से कम कल के आंकड़े को लेकर आज का भी कैलकुलेशन और कंपैरिजन करूं तो भाई कम से कम ये फिल्म 50 लाख तो कहीं नहीं गए, 50 लाख को भी ऐड करूं तो आज 523.50 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, महज 50 लाख की दूरी पर रहेगी ये फिल्म आज। लेकिन कल और ट्यूजडे तक ये पठान के रिकॉर्ड को होपफुली तोड़ देगी। हो सकता है दोस्तों कि आज चमत्कार भी हो जाए, हो सकता है कि जनता एक बार फिर से अपनी दीवानगी दिखा के भाई साहब 1 करोड़ का कलेक्शन कर देती है, तब तो दोस्तों पठान के रिकॉर्ड आज ही टूट जाएंगे। हालांकि जवान ने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है और फेक कलेक्शंस के अंदर, क्योंकि वो तो जनता ने काउंट ही नहीं किया है, जनता उसको अब इग्नोर करने लग गई है। ठीक है, और वही दोस्तों बुक माई शो पे हर 24 घंटे में, लास्ट 24 घंटे का स्टेटस बताऊं तो बुक माई शो पे भाई साहब 7000 टिकट लगभग बिके थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फुटफॉल का रिकॉर्ड अभी तक गदर 2 का किसी ने नहीं तोड़ा है, इनफैक्ट गदर 1 का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, यहां तक कि पठान का फुटफॉल 2 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जवान का भैया फेक पीयर की बदौलत है, थैंक्स टू फेक पीयर 2.44 करोड़ का फुटफॉल दिखाया जा रहा है, बट स्टिल दोस्तों गदर 2 का फुटफॉल 3.50 है, विच इज अमेजिंग, और कोई भी बड़ी फिल्म उसके फुटफॉल को सरपास नहीं कर पा रही है। गदर 2 के फुटफॉल को अगर कोई फिल्म नहीं तोड़ पा रही है तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि गदर 2 को चाहने वाले, देखने वाले और आम जनता कितनी होगी, और खासतौर से सिंगल थिएटर तो दोस्तों कमाल किया हुआ। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक गुड न्यूज दूं तो भाई साहब सन्नी देओल अभी यूएस में अपने पिताजी धर्मेंद्र का इलाज करवा रहे हैं, जैसे ही वो यूएस से रिटर्न होंगे आपको बताओ दोस्तों कि बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हो चुकी है। हालांकि दोस्तों बाप और सूर्या तो पाइपलाइन में है ही, ठीक है, भाई साहब सुनने में आ रहा है कि ये बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर सन्नी देओल को अपनी फिल्म में ले रहे हैं, और भाई साहब अभी इस साल के खत्म होने के बाद 2024 में इतनी बड़ी धासु धासु फिल्में आने वाली है ना, आप कहोगे कि यार 90s का इरा कम बैक कर चुका है, संदीप पाजी फिर से वही अंदाज में कम बैक कर चुके हैं। भाई साहब सबसे पहले तो ये गुड न्यूज आ रही है, एज पर पिंक विला रिपोर्ट, पिंक विला का रिपोर्ट मैंने जब देखा तो उसके हिसाब से राजकुमार संतोषी और भाई साहब आमिर खान मिलकर सन्नी देओल के साथ कई फिल्में बना रहे हैं। हालांकि राजकुमार संतोषी ने घायल, दामनी, घाता जैसी तमाम ऐसी फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि आमिर खान ने पैसा लगा रखा है सन्नी देओल के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जैसे वो यूएस से रिटर्न होंगे कुछ कागज पन्नों पर
कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे, कुछ डील होगी और उसके बाद दोस्तों प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था लाहौर 1947 भी राजकुमार संतोषी भी कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा जुटा रहे हैं भैया कि भाई ये भी फिल्म लगे हाथ बन जाए। ठीक है, तो राजकुमार संतोषी ने तो अपना काम नक्की कर दी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बहुत बड़े प्रोड्यूसर अब्बास मस्तान, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, भाई अब्बास मस्तान की बहुत फिल्में हैं यार, चाहे मैं रेस की बात करूं, 90s के सोल्जर, खिलाड़ी फ्रेंचाइजी की बात करूं। भाई साहब आपको बता दूं कि अब्बास मस्तान के साथ मीटिंग थी सन्नी पाजी की और उन्होंने स्क्रिप्ट अभी लॉक नहीं किया है, हालांकि बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उनकी स्क्रिप्ट पे बात चल रही है। जैसे वो यूएस से आते हैं उन डायरेक्टर के साथ एक बार फिर से मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद वो अपने स्क्रिप्ट को लॉक कर लेंगे दोस्तों। हालांकि अभी गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दोस्तों अभी सन्नी देओल स्क्रिप्ट पे ही पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और अभी स्क्रिप्ट यार लॉक्ड होगी यार। अभी 2024 से प्री प्रोडक्शन होगा तो फिल्म 2024 के एंड में आएगी। मतलब कुल मिलाकर सन्नी पाजी का जो टाइम 2024 से लेकर 2026 तक गोल्डन पीरियड होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, जी हां दोस्तों, जो कि गदर 2 के सुपर ब्लॉकबस्टर होने के बाद अब दोस्तों आपको बता दूं कि वो अपने 2 गदर 3 में व्यस्त हो चुके हैं और सन्नी पाजी के साथ स्क्रिप्ट लॉक्ड कर चुके हैं। हालांकि इन दोनों फिल्म पे प्री प्रोडक्शन से काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ एक और अफवाह सुनने को मिल रही है, यह अफवाह की सच्चाई है दोस्तों पता नहीं, बट कहा जा रहा है कि यश राज फिल्म, जी हां दोस्तों, सन्नी देओल को लेकर बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और ये भाई, ये अगर ऐसा हो गया भाई साहब, आप सोच सकते हो फिर आंकड़े 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ पार जाएंगे। तो दोस्तों रोहित शेट्टी के साथ भी अनाउंसमेंट होने को जल्दी आएगी। रोहित शेट्टी हालांकि कॉप यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं जिसमें दबंग की भी एंट्री है, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है। भाई साहब अगर हमारे सन्नी पाजी आ जाए, सन्नी पाजी ने 90% फिल्में कॉप की बनाई है भाई, मतलब हर फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर तो थे ही थे। अगर सन्नी देओल का अगर मैं कैमियो भी कह देता हूं कि रोहित शेट्टी की फिल्म में आ गई, या रोहित शेट्टी ने फुल फ्लेज फिल्म बना दिया सन्नी देओल को लेकर एज ए पुलिस की भूमिका में, एज ए कॉप की भूमिका में, भाई नो डाउट फिल्म फाड़ कर रख देगी, क्योंकि अभी सन्नी देओल का टाइम चल रहा है। तो भैया कुल मिला के ये थी सन्नी देओल की अपडेट। गदर 2 के साथ नो डाउट दोस्तों साजिशें चल रही है, स्क्रीन ना के बराबर हो चुका है। कुल मिला के आज संडे है, 150 स्क्रीन मिले हैं, क्या पता कल ये 100 स्क्रीन पर रह जाए और अगले हफ्ते तक स्क्रीन खत्म कर दी जाएंगे गदर 2 के। मतलब गदर 2 अगले हफ्ते तक दोस्तों शायद आप सुन सकते हो कि 50 स्क्रीन पर चल रही है पूरे भारत में। मतलब उसके बावजूद भी जितने कम स्क्रीन है, जनता उस कम स्क्रीन में भी दबा के रश है, दबा के भीड़ है। और खासतौर से दोस्तों जितने भी सिंगल थिएटर है वहां दोस्तों अभी भी क्राउड देखने को मिल रहा है। गदर 2 के लिए जनता अभी भी पागल है। हालांकि कलेक्शन 50 लाख 60 लाख आ रहा है, विच इज अमेजिंग। और मैं कह रहा हूं कि विक्की कौशल को लगभग 3,000 स्क्रीन दिए गए हैं। भाई साहब 3,000 स्क्रीन में भी वो बंदा एक एक दिन में 1-2 करोड़ कमा रहा है भाई। लालत है विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फिल्म के ऊपर यार, सर सीरियसली बता रहा हूं मैं, और वो भी यशराज फिल्म का बैनर है यार। तो भाई साहब आप गदर 2 को मैं कह रहा हूं कि उसमें से 10% स्क्रीन भी बढ़ा दो ना भाई, 1 करोड़ का कलेक्शन तुरंत हो जाएगा। मतलब भाई स्क्रीन मिलने की दिक्कत है, एक बार गदर 2 को स्क्रीन दे दी जाए ना भाई, सच्ची बता रहा हूं आज भी ये 10 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, 2 डिजिट में नंबर ला सकती है। और आप देख सकते हो दोस्तों बुक माई शो पे स्क्रीन शॉट कैसे भगवा है हर जगह, और आज का ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग का लगभग 20%, इवनिंग का लगभग दोस्तों 25%, और नाइट का दोस्तों कहा जा रहा है कि 35% ऑक्यूपेंसी होगी। ये मिनिमम ऑक्यूपेंसी बता रहा हूं, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कम से कम 40% भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज का कलेक्शन लगभग 50 से 60 लाख का उम्मीद करते हैं, और अगर ये रिकॉर्ड तोड़ देती है पठान का, विच इज अमेजिंग, और नहीं भी तोड़ती है तो 50-40 लाख का डिफरेंस होगा, जो कि कल परसों तोड़ देगी यार, कोई दिक्कत नहीं यार, मंगलवार को भी तोड़ दे कोई नहीं, मंगल हो जाएगा भाई। कुल मिला के भाई साहब आपको बता दूं, गदर 2 ने जो काम किया है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। गदर 2 ने ऑर्गेनिक में, रियलिटी में कलेक्शन किया है, और कोई बंदा आकर नहीं बोल सकता है कि गदर 2 फिल्म का कलेक्शन फेक है और जवान का रियल है, क्योंकि जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पुख्ता सबूतों के साथ। तो मैं आता ही हूं, रिपोर्ट शेयर करता हूं आप सभी लोगों के साथ। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो, लाइक कमेंट कीजिए। क्या लगता है गदर 2 आज पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या लगता है दोस्तों जितने भी हेटर्स लोग हैं जो गदर 2 को पसंद नहीं कर रहे हैं, जवान प्रेमी लोग, पठान प्रेमी लोग, भाई उनको 1,000 करोड़ के कलेक्शन में बहुत खुशी हो रही है वो फेक वाले कलेक्शन में, लेकिन गदर 2 अगर 500 करोड़ भी कलेक्शन कर रही है तो बेचारे रो रहे हैं। वो कौन से लोग हैं दोस्तों जिनको अपने देश से प्यार नहीं है? लाइक कमेंट कीजिए, अपने भाई को प्यार दीजिए, और इसी तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।